खरगोन जिले के समस्त थाना और चौकियों ने अवैध शराब विक्रेताओं और नशे की हालत में वाहन चलाने वाले, सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की है। शिवराज सिंह चौहान एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल से प्राप्त निर्देशों के उपरांत अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ग्रामीण जोन इंदौर राकेश गुप्ता, पुलिस उप महानिरीक्षक निमाड़ रेंज खरगोन तिलक सिंह एवं पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मवीर सिंह के मार्गदर्शन में जिले के समस्त स्थानों को अवैध शराब के भंडारण, परिवहन, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर उत्पात मचाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया, जिसके पालन में गत दिनों में जिला खरगोन के समस्त थाना व चौकियों द्वारा अवैध शराब विक्रेताओं व नशे की हालत में वाहन चलाने वालों, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों आदि के विरुद्ध कार्यवाही की गई। खरगोन के बल के साथ मौके पर दबिश हेतु पहुंचे, जहां आरोपी राकेश पिता मुन्ना भिलाला निवासी ग्राम कालिक राय के खेत में अवैध गांजे के पौधे लगे मिले, जिनके संबंध में राकेश भिलाला से पूछा गया तो गांजे के पौधे लगाने की किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं होना बताया। मौके से गांजे के अवैध 400 पौधे वजन 152 किलोग्राम जब्त कर NDPC एक्ट के तहत बड़ी कार्यवाही की गई। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।